अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एएम फूडीज चैनल। तो आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को एक थाल की रेसिपी, और ये वाला सर्विंग स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो सबसे पहले पराठा बनाने के लिए मैंने आटा ले लिया है, और आटा जो है मेरा पहले से गूंदा हुआ था, और ये आटे को गूंद कर फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने वही लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे, तकरीबन 2 रोटी जितना, और इसका एक पेड़ा बना देंगे। फिर जब हमको लगा कि आटा स्टिकी हो रहा है तो हम इसे सूखे वाले आटे में डाल लेंगे, और हम इसकी जो है रोटी को गोल गोल करके बेल लेंगे। अब जब हम इसमें रोटी बेलेंगे, मेरे आटे में जो है नमक नहीं मिला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें नमक को स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी को हम लोग जो थोड़ा सा मेल्ट करके डालेंगे ताकि जो इसको फैलाने में ईजी हो जाए। जब हम इसको घी को फैला लेंगे तो हम क्या करेंगे, घी को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, फिर हम जो है अपने पराठे को फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से, और इसका जो है एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। ये छोटों से पिन्नों से एक स्क्वायर शेप बन गया है। अब हम जो है इसको दोबारा से ड्राई फ्लोर में डालेंगे, क्योंकि जो है ये स्टिकी हो रहा था, और अब जो है मैं इसको बेल लूँगी। हमने इसको स्क्वायर शेप में बेलना है, और इसकी जो थिकनेस है वो हम लोग को जैसा हमें पसंद हो, मोटा पतला, हम उस हिसाब से रखेंगे, छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए। जब ये रेडी हो जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई पैन पर रखेंगे, और तकरीबन 30 सेकंड तक एक साइड पकाएंगे, और फिर इसको फ्लिप कर देंगे। और जब फ्लिप करेंगे उसके बाद हम तेल या घी डालेंगे, पहले ही नहीं डालेंगे। और इस तरह से फिर जो है इसका जब एक साइड भी थोड़ा सा हो जाएगा तो उसको दोबारा फ्लिप करेंगे, और यानी इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से बिल्कुल से पका देंगे। ये मेरा बिल्कुल दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, और ये बहुत ही क्रिस्पी भी है। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और वो है ऑमलेट बनाना। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने बस एक ही अंडे का इस्तेमाल किया हुआ है, और एक अंडे को लेंगे, उसमें डालेंगे हम लोग चॉप, फाइनली चॉप की हुई अनियन, फाइनली चॉप टोमेटो, और ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बस ये भी रेडी हो गया। इसको भी हम लोग जो है फ्राई पैन पर फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्राई पैन पर ऑयल को ग्रीस करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, और बस अपने इसको डाल देंगे, और इसको ये बिल्कुल होटल वाले स्टाइल की तरह इसको पलटेंगे, और ये रेडी हो जाता है। 5 मिनट लगता होगा इसको बनने में। और अब हमारा आता है मेन पार्ट, जो होता है सर्विंग पार्ट। देखो खाना कैसा भी हो, मगर उसकी सर्विंग जो अगर अच्छी हो तो फिर खाने का मन ज़्यादा करता है, सामने वाला अच्छे से खा लेता है खाना। तो बस ये सर्विंग स्टाइल है। इसमें बड़ा बाउल लेना है, इसमें छोटे बाउल को उल्टा रखना है, चावल डालने हैं, और फिर जो छोटे वाले बाउल को हम निकालेंगे उसमें डालेंगे, अंदर जो गड्ढा बन गया उसमें डालेंगे दाल, हमने जो अंडा फ्राई किया है उसको साइड में जो है हमें उसको अरेंज कर देंगे। मैंने पूरा सर्कल वाले स्टाइल में उसको अरेंज किया, और जो हमने पराठा बनाया हुआ है उसको मैंने ट्रायंगल शेप में 2 हिस्सा कर दिया है, और अब मैं इसको साइड में रख दूंगी, और ये हमारी थाल बिल्कुल ही रेडी।